इस समय देश में गर्मा गर्मी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल, सब एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए काम कर रही है। ये देश की संपत्तियों को उनके हवाले कर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 5G घोटाले कर रहे हैं और ये अब तक की सबसे बड़ा घोटाला है। आपने अपने दोस्तों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ किया है, आप पूरे देश बेच रहे हैं। मोदी जी को देश की नहीं बल्कि अपने दोस्तों की चिंता है, वो अपने दोस्तों के लिए देश को नीलाम कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने, खुद मोदी जी ने आपका स्तर इतना, मतलब इतने खुलेपन पे आप उतर आए हैं कि आप पहुंच गए, आपने संसद में कानून भी पास कर लिया, 150 सांसदों को निलंबित करके बाहर भी कर दिया अपने दोस्तों का फायदा पहुंचाने के लिए। मोदी जी अपने दोस्तों के लिए इस देश को नीलाम कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को नीलाम कर रहे हैं। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने दोस्तों की चिंता है। होती है कि अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का भारत की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के सेटलमेंट के जरिए चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया। वहीं संजय सिंह ने कहा कि स्पेक्ट्रम बंटवारे में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आओ पहले पाओ नीति को रद्द कर दिया था। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने भी इस नीति का गली गली मोहल्ले मोहल्ले खूब विरोध किया। अब भाजपा सरकार इसी नीति को दोबारा लागू करने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। इससे वो अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मोदी जी और उनकी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आज बेनकाब हो गए। इन्होंने 2023 में जब 150 सांसद सदन से बाहर थे, उस समय वही नीति जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी थे, वही नीति जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी थी, वही नीति जिसके खिलाफ पूरा देश था, वही नीति पास कर दी, पहले आओ पहले पाओ की नीति।